हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। बी और सी के वेतन का योग 8,000 रुपये है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा या कितना प्रतिशत है, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 100%, बी 150%, सी 200% और डी 250%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमारा 2:3:5। क्लियर है? ओके। वही क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है बी तथा सी के वेतन का योग, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी तथा सी के वेतन का योग बराबर कितना दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,000 रुपये। क्लियर इतना? ओके। वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें, तो हमको फाइंड करना है सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे अब हम मान लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माना कि ए का वेतन बराबर 2x रुपीज, ठीक है, या 2x रुपये है। वही बी का वेतन बराबर 3x रुपये है, व सी का वेतन बराबर 5x रुपये है, ठीक है। ये हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने मान लिया कि ए का जो वेतन है 2x रुपये है, बी का वेतन 3x रुपये है और सी का जो वेतन है वह 5x रुपये है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये 2x, 3x और 5x कहाँ से आया, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में जो इनका अनुपात दिया हुआ है वेतन का, है ना, उसी के आधार पर हमने इसको 2x, 3x और 5x माना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो जो x दिया हुआ है सबके साथ में, इसके मान की गणना करेंगे, ठीक है, या x का जो मान है उसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार में हमको क्या लिखना है, तो हमको लिखना है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे b का वेतन प्लस सी का वेतन, इन दोनों का जो योग है वेतन का वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 8,000 रुपये, ठीक है। अभी अभी हमने बी का वेतन कितना माना, तो बी का वेतन हमने माना था 3x रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, प्लस सी का वेतन कितना माना था हमने, तो हमने माना था 5x, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 8,000। ओके, अब ये 3x और 5x आपस में जुड़ जाएंगे, इनका योग करेंगे, तो योग करने पर ये हो जाएगा 8x, बराबर में हो जाएगा हमारा 8,000, ठीक है। अब ये जो 8 है उसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे या फिर 8,000 के साइड पे, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए इस 8x का जब पक्षांतर करेंगे 8,000 के साइड पे या हमारे राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा x बराबर में 8,000 और बटे में 8, ये जो 8 है वो बटे में आ जाएगा, क्योंकि 8 जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे x के साथ गुणे में है। तो पक्षांतर के नियम के आधार पर जब हम इस 8 का पक्षांतर करेंगे, तो चूंकि ये इधर गुणे में है, तो इधर भाग में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए x बराबर 8,000/8 होगा। क्लियर? अब इस 8,000 को 8 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 00, 8 00 और 8 00, इस तरह से जो 8,000 है वह 8 से 1,000 बार में भाग चला जाएगा, अतः x का जो मान आएगा वो आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया x का मान बराबर आया 1,000 रुपये, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम ए बी
और सी का जो वेतन है, जो एक्चुअल उनका वेतन है वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि एक्स बराबर 1,000 रुपये, ठीक है, इसलिए ए का वेतन बराबर, हमने क्या माना था, 2x जो माना था, यहाँ पर x का मान रखने पर क्या होगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2। x का मान कितना है, तो 1,000 है, तो गुना हो जाएगा ये 2 गुना 1,000। इस तरीके से जो ए का वेतन है वह कितना रुपये आ रहा है, तो ये आ रहा है 2,000 रुपये। ये हमने निकाल लिया ए का वेतन। अब चलिए बी का वेतन निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बी का वेतन बराबर, हमने माना था 3x, ठीक है, x का मान जब हम रखेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1,000 हो जाएगा, या 3 गुना 1,000 हो जाएगा, और 3 का गुना जब 1,000 से करेंगे तो मान आएगा कितना, तो ये आएगा 3,000 रुपये। इस तरह से जो बी का वेतन आ रहा है, ठीक है, या बी के वेतन का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपये। ये हमारे पास बी का वेतन कितना होगा वो भी निकल कर सामने आ गया। अब चलिए हम लोग सी का वेतन ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो सी का वेतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी का वेतन बराबर 5x। तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने में 1,000, और 5 गुना 1,000 जब करेंगे तो मान कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से जो c का वेतन है वो कितना निकल कर आया, तो ये आया 5,000 रुपये। ठीक है, a का वेतन कितना आया, तो a का वेतन बराबर आया है 2,000 रुपये। ठीक है, वहीं b का वेतन बराबर कितना आया, तो ये आया है 3,000 रुपये, और c का वेतन बराबर कितना आया, तो ये आया 5,000 रुपये। ठीक है, ए बी सी तीनों का वेतन हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ये सी का वेतन है वो ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः ए के वेतन से सी का वेतन प्रतिशत, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी का वेतन, ठीक है, बटे में होगा ए का वेतन, और गुने में हो जाएगा 100। ठीक है, अब चलिए सूत्र में मार्क देते हैं। तो सी का वेतन हमने कितना निकाला, तो सी का वेतन हमने निकाला 5,000 रुपये, तो ऊपर 5,000 आ जाएगा। नीचे में ए का वेतन हमने कितना ज्ञात किया है, तो ए का वेतन हमने निकाला है 2,000 रुपये, इसलिए नीचे में आ जाएगा 2,000, और गुने में क्या है, 100। ठीक है, आप करेंगे तो ये जो 100 है उसका 2 शून्य, 2,000 के 2 शून्य से कैंसिल हो जाएगा, और 2,000 में से जो 1 शून्य बचा, यानी 20 का जो शून्य है वो 5,000 के 1 शून्य से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऊपर बचेगा 500 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस 500 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो आगे हमारे पास है 500 बटे में 2। अब 2 से जब 500 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, होगा 2 एकम 2, है ना, ये होगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, और 2 शून्य 0। इस तरीके से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 250% या 250%। ठीक है, सी के वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, तो ये होगा 250%। ठीक है, अतः मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, अतः सी का वेतन ए के वेतन का 250% होगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्लियर है ये? ओके, ये शून्य है। ओके, तो सी का जो वेतन है वह ए के वेतन का कितना प्रतिशत होगा, तो वह 250% होगा। क्लियर है? अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 250% दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में 250% दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए बी सी जिनके वेतन का जो अनुपात है वह 2:3:5 है, जिनमें से बी और सी के वेतन का योग 8,000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत होगा, तो ये होगा 250%। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।